हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना सीखेंगे जिसमें कि हम प्रोडक्ट की पूरी डिटेल रखेंगे। एक टेबल हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट की पूरी डिटेल रखेंगे, ठीक है, और दूसरा टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम कस्टमर की पूरी डिटेल रखेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं कस्टमर आईडी 3 चूज करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी 3 चूज करता हूँ, तो प्रोडक्ट 3 की पूरी डिटेल आ जाती है कि प्रोडक्ट 3 को किस कस्टमर ने खरीदा, कहाँ का रहने वाला है, और ये पूरी डिटेल, ठीक है, कितनी कीमत है, कितना खरीदा, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, सब कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और ये सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम हम ये करेंगे कि हम कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे करता हूँ क्लिक। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिनेरियो कुछ इस तरह का आएगा, फिर यहाँ पे व्यू पे करिए, फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रहा हूं कस्टमर की टेबल। तो यहां लिखता हूं कस्टमर टेबल, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले देता हूं कस्टमर आईडी, तो यहां लिख दिया कस्टमर आईडी, ओके। और कस्टमर आईडी ऑटो नंबर रखा हमने, और यहां पे आएगा कस्टमर का नेम, तो यहां लिख देता हूं कस्टमर नेम, ओके। तो कस्टमर का नेम आ गया, इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं, और कस्टमर का एड्रेस आएगा, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट रखा हमने। फिर एड्रेस के बाद सिटी आएगी, ठीक है, और सिटी के बाद फोन नंबर आएगा, तो PHONE फोन कर देता हूं यहाँ पे, और इसे भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं या लॉन्ग लार्ज नंबर रख लेते हैं, लार्ज नंबर, ओके। और यहां से व्यू पे करते हैं क्लिक, और यहां से यस कर देता हूं, ओके। तो ये इस तरीके से आ गया। अब यहां पे कस्टमर का नेम हमें डालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कस्टमर का नेम है राम, ठीक है। फिर यहां पे एड्रेस है इनका न्यू कॉलोनी देवरिया, ये एड्रेस है इस कस्टमर का, ठीक है। और फिर यहां पे सिटी देवरिया कर देता हूं, और जो भी इनका फोन नंबर हो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं। फिर यहां पे दूसरा कस्टमर श्याम हो जाएगी देवरिया, और फिर यहां पे फोन नंबर जो भी हो वो यहां पे आ जाएगा। फिर यहां पे आता हूं, यहां पे लिखता हूं एक और कस्टमर का नाम मनोज, और इनकी इनका जो एड्रेस है वो है नगर पालिका रोड देवरिया। ऐसे करके मैंने तीन कस्टमर्स के एड्रेसेस और सिटीज के पूरी डिटेल, सारी डिटेल हमने डाल दी है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं। तो ये तीन कस्टमर की डिटेल हमने डाल दी है इसमें, इसको क्लोज कर देता हूं। फिर क्रिएट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, और यहां से फिर अब प्रोडक्ट के लिए टेबल डिजाइन करेंगे। तो यहां लिखता हूं प्रोडक्ट टी यानी प्रोडक्ट टेबल, और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो यहां प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। तो यहां पे करते हैं हम प्रोडक्ट नंबर, ये कर दिया हमने प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, यानी पहली वाली टेबल हमारी मास्टर टेबल है, ठीक है। अब यहां पे आएंगे तो प्रोडक्ट का नेम आएगा, ये प्रोडक्ट नेम हो गया, इसे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, और यहां पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहां प्राइस लिख दिया हमने। और प्राइस लिखने के बाद यहां पे हमें क्या करना है, करेंसी डेटा टाइप रखना है, तो करेंसी डेटा टाइप कर लिया हमने, और यहां पे करता हूं यूनिट, ठीक है। और यूनिट हो सकता है कि चीजें आप 1.5 किलो 2.5 किलो ऐसे खरीदें, तो दैट्स वाई यहां पे नंबर रख के, और इसे मैं बना देता हूं डबल, ताकि दशमलव में भी ये वैल्यूज ले सके। अब यहां पे कर देता हूं टोटल, ओके, तो यहां लिखता हूं टोटल, ओके। और यहां पर टोटल में हम कैलकुलेटेड लेंगे, यहां पे ये देख सकते हैं कैलकुलेटेड डेटा टाइप ये हमने ले लिया। अब इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां प्राइस लिखा, और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं यूनिट से, तो अब यहां पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर लिखता हूं डिस्काउंट इन परसेंट, ओके। तो यहां परसेंट में डिस्काउंट आएगा, और यहां पे क्या रखेंगे, और उसके भी पहले यहां पर इसे मैं कर देता हूं डबल, और यहां पे फॉर्मेट रख देता हूं परसेंट पी, तो यहां पे पी प्रेस करते ही परसेंट आ जाएगा। और यहां पे डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, तो ऑटो दिया हुआ है, तो यहां पे दो डेसिमल प्लेसेस हम रख लेते हैं। इस तरीके से ये हमने कर लिया। अब यहां पर आते हैं, तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे देता हूं, तो यहां लिखा हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, इस पे आपको वही चीज मैं बता रहा हूं। यहां पे इसके बाद जो चीज आएगी वो चीज नहीं होगी आपके लिए, तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये दे दिया हमने, ठीक है, और इसको रखेंगे कैलकुलेटेड। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा डिस्काउंट टोटल में ही तो छिपा होगा, तो टोटल, ठीक है, ये टोटल इनटू
डिस्काउंट इन परसेंट, ठीक है, ये दे दिया हमने और इसे क्लोज कर दिया। और अब यहां से थोड़ा गैप कर लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब फाइनल पेएबल की बात करेंगे, यानी यहां पर लिखता हूं मैं फाइनल पेएबल अमाउंट, ओके, तो ये कर दिया हमने। और यहां पर आकर के कैलकुलेटेड का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। और यहां पे क्या करता हूं, टोटल माइनस क्या कर देंगे हम, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो फाइनल पेएबल आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कर देता हूं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कर दिया हमने, और इसके बाद इसको यहां से ओके प्रेस कर देंगे तो ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पर ऊपर हमें एक चीज और चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो यहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट रोज पे क्लिक कीजिए, यहां पर मैं कर देता हूं कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ताकि हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सके, ठीक है। और यहां पे इसे कर देता हूं नंबर, ओके, और यहां पे अब ओके, तो ये हमने कर दिया इस तरीके से, ओके। अब यहां पे प्रोडक्ट का नंबर आएगा, ठीक है, और यहां पे कस्टमर आईडी आएगी, तो जो भी कस्टमर आईडी है उसे आप यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी 123 के फॉर्म में है, और ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नंबर है, तो यहां पे प्रोडक्ट नंबर भी आ रहा है और ये कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी 1 कर दिया हमने। मान लीजिए है RICE राइस, ठीक है, और राइस कितने रुपए किलो है, जैसे मान लीजिए राइस है 32 रुपए किलो, और इसके हिसाब से आपने 5 किलो राइस खरीदा तो 160 रुपए कीमत आ गई, और इस पे आपको मिल गया 2% का डिस्काउंट, तो ये 2% का डिस्काउंट यानी 3.20 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो आपका कुल मिला के फाइनल पेबल कितना हो गया, 156.80 रुपए। अब यहां पे आता हूं, यहां पे करते हैं शुगर, यहां पे पहले कस्टमर आईडी 2 दे देता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं शुगर, और यहां पर मान लीजिए 20 किलो चीनी आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो 800 रुपए की चीनी हो गई, और इसपे भी मिला हमें 3% का डिस्काउंट इसपे मिल गया, तो कुल मिला के फाइनल पेबल हो गया 776 रुपए। इसी तरह से किया तो टोटल आ गया, और डिस्काउंट है इस पे 1% का, 1% के हिसाब से यहाँ पे आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया, और इसको सेव भी कर लेते हैं। एक कस्टमर की टेबल हो गई, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की टेबल हो गई। मेन टेबल आपकी कौन सी है, कस्टमर वाली। चलिए इन दोनों को आप क्लोज कर देते हैं सेव करके, और फिर क्लोज कर देता हूं इसको यहां से, और फिर प्रोडक्ट को भी सेव करके, और फिर यहां से क्लोज कर देता हूं। तो ये हमने क्लोज कर दिया। अब क्रिएट पे चलेंगे, और फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें पहले रिलेशनशिप क्रिएट कराना होगा इन दोनों के बीच, तो क्वेरी विजार्ड पे चलते हैं और यहाँ सिंपल क्वेरी करके, और फिर यहां से सबसे पहले तो हमें कस्टमर की डिटेल लेनी है, तो कस्टमर आईडी चाहिए हमें, कस्टमर नेम चाहिए, सिटी, एड्रेस और फोन नंबर चाहिए ही चाहिए। इसके बाद फिर प्रोडक्ट की डिटेल लेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है, कस्टमर आईडी तो चाहिए नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, ये कस्टमर आईडी नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए, और ये प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, उसकी यूनिट चाहिए, टोटल चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, परसेंट चाहिए, और फाइनल पेबल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब यहां से ओके प्रेस कर देता हूं, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर पहला टेबल कस्टमर टी, और फिर ये दूसरा टेबल प्रोडक्ट टी, ये दोनों हमने ले लिया। यहां पे इसे क्लोज कर देता हूं। अब कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप कस्टमर आईडी से करा देते हैं, यहां पे इस तरीके से, यहां पे क्रिएट पे कर देंगे क्लिक, तो ये रिलेशनशिप बिल्ट हो गई इसमें। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्रिएट पे जाना है और फॉर्म विजार्ड पे जाना है, ठीक है। पहली टेबल हमारी कस्टमर टी की थी, तो यहां से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी और फोन नंबर, ये कस्टमर की डिटेल के लिए। अब प्रोडक्ट की डिटेल के लिए प्रोडक्ट नंबर चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस, यूनिट, टोटल, डिस्काउंट, फाइनल पेएबल, और ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो यहां पे अब ओके प्रेस करूंगा और ये सब फॉर्म जनरेट करेगा, ठीक है, कस्टमर टी। और डेटा शीट व्यू में चाहिए या टेबुलर आप देख लीजिए, तो मैं डेटा शीट ही रखता हूं, और यहां से मॉडिफाई पे जाके और यहां से फिनिश पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे सामने जनरेट होकर आया है ये पूरा, आप देख सकते हैं इसको, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब फॉर्म हमारा जनरेट हो गया है। अब यहां पर आकर के यहां पे क्लिक करके और इसको थोड़ा सेटिंग कर लेंगे हम, थोड़ा छोटा बड़ा जो भी करना है यहां से कर सकते हैं हम इतना, ठीक है। सिटी, सिटी तो काफी छोटा होगा, तो सिटी को तो छोटा ही कर लेते हैं, ये कर दिया हमने।
फोन नंबर इतने बड़े की जरूरत नहीं, तो ये फोन नंबर भी छोटा कर दिया, ठीक है। और यहां पे इसको अब लेंगे हम, ये देखिए ये जो सब फॉर्म जनरेट हुआ है इसको यहां से ले लिया हमने, छोटा बड़ा जो भी जैसा भी आप करना चाहते हो यहां से कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहां पर ये कस्टमर टी हटा देता हूं मैं, और हम ये चाहते हैं कि यहां पर एक कॉम्बो बॉक्स हम डिजाइन करें जिसके बेस पर हम सिलेक्शन करें और वो चीजें खुल करके हमारे सामने आए। तो यहां पे फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माय कॉम्बो बॉक्स, इसको टिक करके और यहां से ओके प्रेस करेंगे और कस्टमर आईडी के बेस पे हम ये चीजें सर्च करेंगे। तो कस्टमर आईडी कर दिया हमने और यहां पे ओके प्रेस करके और ये कस्टमर आईडी आ रहा है कर दिया और यहां से फिनिश पे कर दूंगा क्लिक, तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें पूरा का पूरा डेटा सिलेक्शन में लेकर के सिवाय ऊपर वाले के, ठीक है, ये जो ऊपर वाला डेटा है जो कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया इसको अभी सिलेक्शन में नहीं लेना है, इस पूरे को सिलेक्शन में लेकर के होम पे जाकर के और यहां से इसको पूरा ब्लैक बना देना, ये ब्लैक हो जाएगा और यहां से बोल्ड हो जाएगा ये, तो ये इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। अब करना क्या है आगे, आगे हमें इसको सिलेक्शन में लेना है, ठीक है, और यहां से इसका कलर मैं कर देता हूं व्हाइट, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसका कलर व्हाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया इसे, और अब जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैं कर देता हूं रेड, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, बस ये हो चुका है। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहां से जाकर के कोई सा भी कलर जो आपको ठीक लगता हो वो चूज कर सकते हैं यहां से, जैसे मैंने ये चूज कर लिया, यहां इसका भी कलर आप बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, देख लीजिए कौन सा कलर आपको ठीक लगता हो वो कलर आप चूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये चूज कर लिया हमने, तो ये इस तरीके से आप व्यू पे जाएंगे तो ये इस तरीके से हमारे सामने आएगा। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग ये रह गई है कि ये पूरा पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, पूरा पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको छोटा किया हमने तो ये साइड से ये नजर आने लगा। अब थोड़ा सा और ये जो प्राइस का कॉलम है इसको यहीं से हम छोटा कर लेते हैं, ये इतना, तो ये साइड से टोटल नजर आने लगा। अब इसको भी छोटा करेंगे यहां से और थोड़ा प्राइस को और छोटा करेंगे यहां से जा करके, तो ये देखिए, और यूनिट थोड़ा सा और छोटा, और अब टोटल को छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट और ये सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो यहाँ अमाउंट और ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। आपको खाली करना क्या है, यहाँ नीचे आ जाइए और यहां से आप स्क्रॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है ना यहां से स्क्रॉल कर लीजिएगा तो ये आपको दिखाई पड़ने लगेगा। वैसे आप यहां से भी छोटा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए ये थोड़ा छोटा कर लिया हमने, इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए तो ये भी दिखाई पड़ने लगेगा, इधर से भी थोड़ा सा छोटा, तो ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे डिस्काउंट 10% किया है हमने, तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब अगर ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है हमें, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे जाके और ये इस तरीके से कर सकते हैं, कस्टमर आईडी भी हमें नजर आने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये कस्टमर आईडी नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी 3 चूज करता हूँ मैं, तो कस्टमर आईडी 3 ने क्या क्या परचेज किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे नजर आ रही है हमें, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे आकर के और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरी की पूरी डिटेल देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आप थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल नजर आने लगेगी। यहाँ पे इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ और, ठीक है, इतना कर देता हूँ। और अब इसको सिलेक्शन में लेकर के और यहां से ये जो है ऐसे ये कर दिया हमने। अब यहां से तो यहां पे देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से नजर आने लगा है, लेकिन हमारा कहना क्या है कि ये देखिए यहां पे अगर 2 मैं चूज करता हूं तो 2 की पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये थोड़ा सा इसका लुक जो है सॉफ्टवेयर जैसा दिख नहीं रहा है, तो लुक लाने के लिए क्या करेंगे हम, लुक लाने के लिए हम चलेंगे डिजाइन के ऊपर और यहां से प्रॉपर्टी शीट को ओपन कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी शीट ओपन कर लिया हमने, अब यहां से हमें क्या लेना है, लेना क्या है वो देख लीजिए। यहां पे अभी सब फॉर्म हमारे पास है, तो सब फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए। तो यहां फॉर्म पे आ जाइए और फॉर्म पे आने के बाद यहां से मैं कर लेता हूं, ये देख सकते हैं यहां पे पॉपअप नो है, तो ये पॉपअप को मैं यस कर देता हूं और यहां से बस इसको सेव कर लेता हूं और यहां से अब क्लिक करता हूं। जैसे आया हुआ है ये अलग से एक सॉफ्टवेयर ही है, देखिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे सामने आया हुआ है। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, तो ये इस तरीके से ले लीजिए और ये देख सकते हैं ये डिटेल। लेकिन अब भी इसमें एक कमी है, हम ये चाहते हैं कि इसका रिपोर्ट डिजाइन करें और हमको एक बार में जिस
कस्टमर आईडी को हम चूज करें उसी की रिपोर्ट हमें नजर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें और काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें चलना है क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है रिपोर्ट डिजाइन, रिपोर्ट विजार्ड पर। लेकिन ऐसे अगर जाएंगे आप तो आपको एक बार में पूरे कस्टमर की डिटेल नजर आएगी, तो इसके लिए हम एक क्वेरी बना लेते हैं। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और क्वेरी डिजाइन पे चलने के बाद चूंकि हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करा रखा है, दैट्स वाई तो ये इस तरह से आ रहा है, तो इसको पहले क्लोज कर लेता हूँ। ऐसे आते हैं क्वेरी डिजाइन पे, तो ये क्वेरी डिजाइन पे आ गए हम, और ये दोनों टेबल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों टेबल्स हमने ले ली, अब हमें चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है, फिर प्रोडक्ट नंबर चाहिए, प्रोडक्ट कस्टमर आईडी तो हम पहले ही ले चुके हैं, कस्टमर आईडी हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, और यहां से प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस, यूनिट, और फिर जो भी चीजें हैं इसमें, टोटल, डिस्काउंट इन परसेंट, और यहां अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और फाइनल पेएबल, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने ले ली हैं, आप देख सकते हैं इसको यहां पे, ये। अब हम ये चाहते हैं कि कस्टमर आईडी के बेस पे सारे रिकॉर्ड्स आए हमारे पास, तो कैसे ये होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे कहेंगे फॉर्म, तो ये फॉर्म्स के अंदर हमें देखना है, और यहां पे एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और हमारा फॉर्म कौन सा है, ठीक है, दो फॉर्म है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम यहां पे कस्टमर टी चाहिए, ठीक है, तो हम कस्टमर टी ही ले लेते हैं। तो यहां पे डबल क्लिक करता हूं, ये कस्टमर टी आ गया, बस इसको सेव कर लीजिए, आपका काम हो गया है, ठीक है। अब यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, और अब क्रिएट पे चल के, और फिर रिपोर्ट विजार्ड पे जाके, और अब रिपोर्ट डिजाइन करेंगे हम, तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और फिर प्राइस, ये क्वेरी में से लेना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में से मत उठाइएगा, ये क्वेरी जो आपने बनाई है उसी में से लीजिएगा, ठीक है। प्राइस तक आ चुके हैं हम, यूनिट, टोटल, डिस्काउंटेड परसेंट, अमाउंट, और ये फाइनल पेबल, ये सारी चीजें आ गई। अब ओके प्रेस कीजिए, कस्टमर आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा कस्टमर आईडी, ओके, और अब ओके प्रेस करके फिर यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे मॉडिफाई डिजाइन में जाके फिनिश कर दूंगा, और ये इस तरीके से हमारे सामने जनरेट होकर आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग आपको, थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी है कि यहां पे जाकर के, और ये डिस्काउंट और ये तमाम चीजें जो दी गई हैं, ये सीक्वेंस में आए, सही सही आए, इसके लिए थोड़ा सा आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने पूरी सेटिंग कर ली है, अब इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे चाहे तो आप कोई टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, दुकान वगैरह का टाइटल वगैरह कुछ भी। फिलहाल मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से अब इसको पहले सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव कर लिया हमने, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कस्टमर टी पे जाना है। तो ये कस्टमर टी हमारा फॉर्म है, और यहाँ पर हम चलते हैं कस्टमर नंबर टू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये कस्टमर नंबर टू हमने सेलेक्ट रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये किसकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे फिलहाल अभी हमें कोई डिटेल अभी भी कोई भी डिटेल हमें दिखानी पड़ रही है। इस वाले क्वेरी को उठा करके हमें क्या करना है, यहाँ से कट करना है, और ये कस्टमर आईडी में लेके इसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूं,
और अब इसको सेव कर लेता हूँ इस क्वेरी को, ठीक है। सेव करने के बाद अब इसको क्लोज कर देता हूँ और अब इस रिपोर्ट को भी कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर टी ओपन किया हमने, अब यहां से हमको सिलेक्शन करना है, कस्टमर थ्री को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं, यहां से डबल क्लिक किया। अब ये देखिए कस्टमर नंबर थ्री की पूरी डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये कस्टमर नंबर थ्री ही है और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं। अब यहां से आप चाहे तो स्क्रॉल करके और इधर जाके देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कस्टमर नंबर थ्री है। अब थोड़ा सा और इसमें सेटिंग करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से इसे डिजाइन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कस्टमर नंबर थ्री जो मैंने किया है तो यहाँ पर बीच में गैप नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप शो कराने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है, और इधर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये चीज जो है थोड़ा सा इधर बड़ा कीजिए और इधर से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और इसको अब इस तरीके से अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए बीच में गैप भी दिखने लगा, तो ये इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम पल्स है और यहाँ पे प्राइस 76 रुपए है, यूनिट 7 किलो है, कुल मिला के 532 रुपए हुआ, डिस्काउंट 1% है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5 रुपए 32 पैसे और कुल मिला के फाइनल पेएबल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर मैं कस्टमर टी पे जाता हूँ डबल क्लिक करके ओपन तो कर लेता हूं इसे यहां से ये, अब यहां से मैं क्या करता हूं इस कस्टमर की टेबल में, यहां से मैं कस्टमर आईडी 1 की डिटेल सर्च करना चाहता हूं, तो यहां 1 हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे अभी 1 नहीं आ रहा है, तो रिफ्रेश कर दीजिए आप तो यहां पे कस्टमर आईडी 1 की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कस्टमर आईडी 3 की डिटेल देखना चाहते हैं या 2 की डिटेल देखना चाहते हैं, या 2 करिए और रिफ्रेश कर दीजिए तो यहां 2 की पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने प्रिंट होकर के। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।